हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ साबूदाने से बने बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस नाश्ते को बनाना बहुत आसान है, बहुत ही कम टाइम में, लगभग 10 से 15 मिनट में ये नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से ज़रूर से ट्राई करिएगा। चलिए इस नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम ये नाश्ता साबूदाना से बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम साबूदाना ले लेते हैं। एक कटोरी साबूदाने को मैंने भिगा करके 1 घंटे पहले ही रख दिया था। साबूदाना बहुत अच्छे से भीगा हुआ है। तो अब हम ना इसका जितना एक्स्ट्रा पानी होगा ना साबूदाना का, उसे हम बाहर कर देंगे और साबूदाने को हम बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ पे हम उबले हुए आलू लेंगे। 3 बड़े साइज के मैंने उबले हुए आलू का यूज़ किया है। आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। आलू को हम थोड़ा सा हाथों से क्रश करेंगे और इसी साबूदाने में ऐड कर देते हैं। फ्लेवर के लिए हम कुछ चीज़ें और भी ऐड करेंगे, जैसे कि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ग्रेट करके अदरक ले लिए, एक हरी मिर्च कट करके लिए, थोड़ी सी हरी धनिया ली है। तो अगर आप इसमें से कोई चीज़ लाइक नहीं करते हो तो आप उसे स्किप कर सकते हो। और अगर आप ऐसे ही मतलब नाश्ते के लिए बना रहे हो रोज़मर्रा में, तो आप इसे ना और भी वेजिटेबल्स के साथ भी तैयार कर सकते हो। लेकिन मैं इसे व्रत के लिए बना रही हूँ, तो मैं वही चीज़ें ऐड करूँगी जो कि व्रत में खाई जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने सेंधा नमक डाला है, जिसे हम व्रत का नमक भी बोलते हैं। सेंधा नमक डालने के बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मैश कर लेते हैं। साबूदाना बहुत अच्छे से भीगा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगेगा और परफेक्ट हमारा ये नाश्ता बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पे आप ना अगर इसे आप नॉर्मल नाश्ते के लिए भी बना सकते हो, इसे आप व्रत में भी खा सकते हो। सबसे अच्छी बात है कि इस नाश्ते में ना बहुत ज़्यादा घी ऑयल का यूज़ नहीं होता है, तो ये ऑयल फ्री नाश्ता होता है और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनता है। तो यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर है ना नाश्ते का, वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस नाश्ते को अप्पे स्टैंड में बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अप्पे स्टैंड को घी से ग्रीस कर लेते हैं। क्योंकि मैं व्रत के लिए बना रही हूँ, तो इसे मैं घी से ग्रीस कर रही हूँ। अगर आप विदाउट व्रत मतलब ऐसे ही नाश्ते के लिए बना रहे हो ना, तो आप घी की जगह पे ऑयल का यूज़ भी कर सकते हो। जो भी लाइक करें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लेकिन मैं व्रत के लिए बना रही हूँ, तो मैं घी से ही ग्रीस करूँगी। तो बहुत अच्छे से मैंने मोल्ड को घी से ग्रीस कर लिया है और इसे हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। और इधर हम ना छोटे छोटे से बॉल्स बना लेते हैं। जो भी साइज है हमारे अप्पे स्टैंड का, उसी के हिसाब से ही हम नाश्ते के बॉल्स बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेते जाएंगे और इसे लड्डू की तरीके से हम राउंड कर लेंगे और बहुत ही परफेक्ट हमारा ये नाश्ता इस तरीके से फटाफट से बन जाता है। थोड़ा सा आप पानी लगा लीजिएगा, जिससे कि ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, क्योंकि साबूदाना है, आलू है, इसलिए थोड़ा सा चिपकता है। जब आपको लगे कि हाथ में चिपक रहा है, तो आप थोड़ा सा पानी लगा करके ही बॉल्स तैयार करिए। तो बस इस तरीके से हम नाश्ते के बॉल्स तैयार करते जाएंगे और अप्पे स्टैंड में डालते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो मोल्ड है ना, बिल्कुल अच्छे से फिल हो चुका है। अब हम लीड लगा देते हैं और इसे 2 से 3 मिनट पकने देते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसे पलट देंगे। तो सारे हम नाश्ते के बॉल को पलट लेते हैं। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा हल्का सा क्रिस्पी सा कलर आया है, बहुत ही लाइट कलर आया है। अभी अच्छे से पके नहीं है। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे स्लो कर रखा है, लेकिन अब हम इसे मीडियम कर देंगे। मतलब बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमें इसे नहीं पकाना है और बहुत ज़्यादा स्लो गैस में भी नहीं पकाना है। तो जब ये मीडियम गैस में हम इसे पकाएंगे ना, तो लगभग 3 से 4 मिनट में ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी से हो जाएंगे। तो इसे हमें उलट पलट के बहुत अच्छे से डार्क गोल्डन कलर आने तक इन्हें हमें इसी तरीके से पका लेना है। तो यहाँ पे हमने सारे ही अप्पे को अच्छे से पलट दिया है और अब हम वापस से लीड लगा देते हैं और इन्हें पकने देते हैं। बस बीच बीच में हम इन्हें मतलब पलटते जाएंगे, जिससे कि सारी तरफ अच्छे से परफेक्ट कलर आ सके और क्रिस्पी सा हम इन्हें पका लेंगे। तो आप देख सकते हो इन्हें मैंने अच्छे से पलटते हुए डार्क गोल्डन कलर आने तक, क्रिस्पी होने तक मैंने इन्हें पका लिया। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो छूना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो हाथ जल जाएगा। और अब जब ये अच्छे से सारे ही मतलब हमारे नाश्ते अच्छे से पक चुके हैं ना, तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इन्हें सर्व करेंगे।
इसी तरीके से आपको सारे नाश्ते को पका लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस साबूदाने के और आलू के नाश्ते को दही के साथ सर्व किया है। आप दही, चटनी, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हो, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और बिना ऑयल का, घी का ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ही कम टाइम में ये नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो जाता है। 5 मिनट इसे प्रिपेयर करने में लगेगा और 10 मिनट इसे पकाने में लग जाता है। क्रिस्पी सा हमारा ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है, तो एक बार ट्राई करिए। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।